हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम सा। मिनल किचन में आपका स्वागत है। आज हम जामुन लेमनेड बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, प्लस अगर इसमें जामुन है, अगर आप ऐसे खाओगे तो जामुन तो वैसे ही हेल्दी होते हैं। इसमें मैंने शुगर बहुत ही कम ऐड की है, और अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा शुगर चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें सोडा ऐड किया है। इफ़ यू नीड वाटर, आप इसमें वाटर ऐड कर सकते हो सोडा को पूरा स्किप करके, और अगर आप वाटर ऐड करोगे तो वो शरबत बन जाएगा। और अभी क्या सीज़न है तो बेटर कि आप जामुन एवरीडे खाओ। इसके मतलब बहुत सारे गुण हैं, बहुत ही हेल्दी होता है ये। लंच के 15 मिनट बाद या डिनर के 15 मिनट बाद आप इसको खा सकते हो। मैं थोड़ा सा काला नमक मिलाकर खाइए, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, और ये BP, शुगर, डायबिटीज़ और हीमोग्लोबिन सही करती है, और ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। सो ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहेगी। सो इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, एंड इफ़ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी। लेट्स सी हाउ टू मेक इट। थैंक यू। जामुन लेमनेड बनाने के लिए हमने 300 ml सोडा वाटर लिया है, 150 ग्राम पके हुए जामुन लिए हैं, ये शुगर पाउडर है इसको हमने 2 tablespoons लिया है, पुदीने की पत्तियाँ ली है 7 से 8, 4 ice cubes लिए हैं, 1 teaspoon लेमन जूस लिया है, और 1 teaspoon सॉल्ट लिया है। सबसे पहले हम जामुन को पील ऑफ करेंगे और उसका जो गूदा है वो निकालेंगे। तो चलिए इसको हम काटेंगे एकदम अच्छे से। पहले इसके ऊपर का हम कवर निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमें इसका कवर निकालना है, इसको पील करना है। और ये इसका गूदा आप अलग कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से हमें इसका गूदा अलग करना है। फ्रेंड्स, ये हमने इसका गूदा निकाल दिया है। अब हम गूदे को मिक्सी में डालेंगे। ये गूदा काफ़ी कम हो चुका है, ये 100 ग्राम ही रहा है अभी, और इसमें कुछ पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्सी में चला लेंगे। अब हम इसमें शुगर डालेंगे, शुगर पाउडर जो हमने लिया था, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1/4 cup जितना, और इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए इसको हमने पीस लिया है। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे और एक बार इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मिक्स बहुत अच्छे से हो चुका है, एकदम बारीक हो चुका है। अब हम एक पानी लेंगे एक बाउल में, और ये नमक मैंने इसमें फैला के रखा हुआ है, 2 glasses ले रही हूँ मैं। इसको पानी में हल्का सा डिप करेंगे, फिर इसको नमक से इसको पूरा कवर कर लेंगे, जस्ट लाइक दैट। अनदर वन आल्सो। तो इसके जो कॉर्नर्स पर है पूरा नमक आ जाएगा, उसका भी अलग टेस्ट आएगा। और जो हमने नमक लिया था वो इसमें हम मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये हमने 2 जनों के लिए मिक्स तैयार किया है, इसलिए इस मिक्स को हम दोनों कप्स में ले लेंगे, आधा आधा। अब हम दोनों कप्स में सोडा डालेंगे। और ये हमने लेमन लिए हैं, इसको साइड में मैं डेकोरेट कर लूँगी इससे।
अब हम इसमें आइस क्यूब डाल देंगे, दो दो आइस क्यूब डाल देंगे दोनों में। लुक एट दिस यम्मी डिलीशियस जामुन लेमोनेड।